नमस्कार दोस्तों। भाई लड़कों की तुलना में लड़कियां प्यार हो जाने के बाद भी आई लव यू बोलने से परहेज करती हैं, इसका खुलासा एक नए अध्ययन से हुआ है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किए गए शोध का नतीजा निकला है कि लड़कियां पहले निश्चित होना चाहती हैं कि प्यार किस मोड़ पर है, दूसरी ओर लड़के फौरन आई लव यू बोल देते हैं। जिन 171 लड़के लड़कियों का सर्वे हुआ उनमें से 87% का कहना था कि लड़कियां प्यार की शुरुआत करती हैं लेकिन इसका इजहार करने से पहले सोचती हैं, जबकि लड़कों के मामले में ऐसा नहीं है। भाई यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए ना। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाह ले लो, कसम चाह ले लो, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। भाई गुस्सा चाहे किसी भी बात को लेकर जाहिर किया गया हो, ये सेहत पर नकारात्मक असर ही डालता है। हाल ही में एक अध्ययन में ये बात सामने आई। इसके मुताबिक क्रोध ऐसी भावना है जो जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर को और ज्यादा बिगाड़ देता है। हम आपको बता दें कि ये अवस्था किसी भी विषय पर जरूरत से ज्यादा फिक्र करने के कारण पैदा होती है। शोधकर्ताओं ने बताया कि दुनिया भर के लाखों लोग इस अवस्था से गुजर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में इसके चलते व्यक्ति को ठीक से काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। ये गुस्सा है, ये गुस्सा तेरा सुभान अल्लाह, एक हुस्न का दरिया चढ़ आया, लो चेहरा सुर्ख शराब हुआ। दोस्तों किसी का चेहरा देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में बताना मुश्किल होता है, लेकिन महिलाओं के मामले में यह बात गलत है। एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि पुरुषों का चेहरा देखकर महिलाएं ये बता सकती हैं कि वे विश्वास करने के लायक हैं या नहीं। इसके विपरीत पुरुषों में यह क्षमता नहीं होती साहब। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से हुए अध्ययन में प्रमुख शोधकर्ता गिलियन रोड्स कहते हैं कि महिलाओं के लिए पुरुषों का आकर्षक व्यक्तित्व उन पर विश्वास करने का पैमाना नहीं होता। तू क्या जाने? भूली हुई यादें दिलाती हैं सर्दी में गर्मी का एहसास। जी हाँ दोस्तों, पता चला है कि पुरानी यादों में खोए रहने से न सिर्फ हाथ गर्म होते हैं बल्कि दिल को भी सुकून मिलता है। हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ये भावनाएं नियंत्रित होती हैं। यहीं के पैदा होने वाले उद्दीपन शरीर को सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाते हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए यादों में खो जाने का बड़े बूढ़ों का बताया हुआ नुस्खा बिल्कुल कारगर है। इसे साबित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में एक शोध हुआ। इस शोध को आगे बढ़ाते हुए संगीत की पसंद को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे किया गया। पता चला है कि संगीत सुनकर जो लोग पुराने जमाने में खो गए उन्हें शरीर में गर्मी भी महसूस हुई। इस कड़ी में शोधकर्ताओं ने दो और अध्ययन किए और दोनों के निष्कर्ष पहले की तरह ही रहे। ये शोध अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पत्रिका इमोशन में प्रकाशित हुआ है। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तो भाई लोकरुचि समाचारों में आज बस इतना ही। अब हरी संधु को दीजिए इजाजत, मगर आप बने रहिए हमारे आज सवेरे प्रोग्राम के साथ।
प्रस्तुति सहयोग यू के मन्ना, नमस्कार।